आपको लगता है आपका सीवी बहुत स्ट्रांग है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, नॉलेज है, फिर भी आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही, रिक्रूटर से कॉल नहीं आ रही, तो इसका क्या रीज़न है? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन तरियाल एंड आज मैं आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। फर्स्ट मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो मेरे को बहुत चुभता है, मुझे बहुत ही एब्सर्ड लगता है सुनने में, जब मुझे कोई कहता है कि मैंने 10,000 रुपये दिए, 15,000 रुपये दिए और अपना सीवी बनवाया है, या फिर कोई यूट्यूबर बोलता है कि मैं आप हमें इतने पैसे दो हम आपके लिए सीवी बना के देंगे। क्योंकि मैं खुद जॉब मार्केट में हूँ, मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको पता है कि कैसे सिस्टम वर्क करता है। इट डजंट गो लाइक दिस कि आपने एक सीवी लिया और एक सीवी को पकड़ के हर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इट डजंट गो लाइक दिस। ये कोई आपकी जन्म कुंडली नहीं है कि आपने पंडित को बोला कि भाई मेरी जन्म कुंडली बना के दे दो। ये आपका सीवी है जो आपको खुद बनाना है, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। हाँ, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होंगे, जो वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे सर्च करना है। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाने के बाद में आप सर्च करो सप्लाई चेन मैनेजर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन उसका सीवी देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे है। और भी बहुत सारी हजारों टिप्स हैं, लेकिन उसके लिए पैसे देने आई डोंट थिंक इट्स वर्थ, एंड फॉर मी इट्स लाइक रियली स्ट्यूपिड, बिकॉज एक सीवी कभी सारी जॉब्स के लिए वर्क कर ही नहीं सकता। यूके जॉब मार्केट, यूएसए जॉब मार्केट, पूरा जो जॉब मार्केट है वो वर्क करता है एआई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अभी जो सिस्टम है जो सीवी को पिक करता है, दैट इज एटीएस सिस्टम, सीवी स्कैनर सिस्टम, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो रिक्रूटर को स्किल्स चाहिए वो उस स्कैनर टूल में डालेगा और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वो उनके रिज्यूम जो है वो स्कैन होंगे और जो जो रिज्यूम सिलेक्ट होते हैं वो उनको सिलेक्ट कर लेंगे। आपका काम, पहला काम ये है कि आपको अपना रिज्यूम उस ऑटोमेटिक ट्रैकिंग जो सिस्टम है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसमें आपको आपका रिज्यूम सिलेक्ट करवाना है। और व्हाट डू यू थिंक कि आपने एक रिज्यूम कहीं बाहर से बनवा लिया और फिर वो आप उसको हर जगह पे चला सकते हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। सीधा उठा के आप सीवी नहीं डाल सकते। अगर उसमें लिखा है कि उनको चाहिए कोई स्पेशलाइज बंदा जो पाइवट टेबल्स बना सके, और पाइवट टेबल्स एडवांस एक्सेल से बनती है, जिसको एडवांस एक्सेल आता है वो पाइवट टेबल बना सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा है पाइवट टेबल और आपने लिखा है एडवांस्ड एक्सेल, तो इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मिसमैच। अब उसको जो अगर रिक्रूटर रीड करता है तो उसको तो पता चल जाएगा, लेकिन एटीएस सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर सकता। जब आप अगर जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड कर रहे हैं तो उसमें से कुछ कीवर्ड्स को उठाइए और अपने सीवी में डालिए। ये सिस्टम होता है जॉब के लिए अप्लाई करने का। अब चूंकि आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करवाना है, आप कभी भी अपनी फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं देंगे। पीडीएफ फॉर्मेट भी जो एटीएस सिस्टम है उसको ट्रैक करता है, बट कई बार इट गेट्स कन्फ्यूजिंग फॉर द सिस्टम। सो आपको जो एक करेक्ट, एक जेन्युइन मेथड है अपनी फाइल को भेजने का, वो होता है डॉक। अपना वर्ड फाइल में आप अपनी रिज्यूम को किसी को भी सेंड करेंगे। अब इसी अकॉर्डिंग अगर आपका रिज्यूम बहुत ज़्यादा फॉर्मेटेड है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंड है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, आपका टेबल डली हुई है, तो एटीएस सिस्टम उसको ट्रैक करने में प्रॉब्लम कर सकता है। आपको हमेशा अपने रिज्यूम को सिंप्लीफाइड रखना है। ट्रेडिशनल मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। कोई किसी तरीके का डिज़ाइन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई कलरिंग नहीं चाहिए, कोई फॉन्टिंग नहीं चाहिए, सिर्फ आपके सीवी की क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, ये सब कुछ मैटर करता है। कोई डिज़ाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो मैटर करती है वो होती है आपके रिज्यूम की एज। व्हाट डज इट मीन? लाइक आपने एक रिज्यूम को 2 महीने पहले एडिट किया था और आपको लगता है कि अरे ये इस जॉब के लिए परफेक्ट है ये रिज्यूम, और आपने वो उसको उठा के भेज दिया। अब उसकी जो एज थी वो 2 महीने पहली थी, तो शायद उसको जो सिस्टम है उसको पिक नहीं करे, क्योंकि वो बहुत ही पुराना एक रिज्यूम है। आप जब भी किसी को अपना रिज्यूम सेंड करेंगे, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू एडिट इट लिटिल बिट, थोड़ा सा एडिटिंग करने की उसको कोशिश करो, जिससे कि वो दिखता है कि हाँ ये एडिट किया गया है फॉर दिस जॉब। ये टिप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपनी फाइल को हमेशा 1 MB के अंडर में रखो, जिससे कि ईजिली आपकी फाइल जो है वो ट्रैक हो सके। अब अगर आपका सीवी सिलेक्ट हो जाता है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ आपकी प्रोफाइल, जो अपने आप सीवी पे लिखते हैं। सेकेंड आपका कवर लेटर। अगर ये 2 चीज़ आपकी स्ट्रांग है तो दे कैन वर्क लाइक अ टाई ब्रेकर। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक रिक्रूटर 15-20 seconds लेता है एक सीवी को देखने के लिए, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सीवी होते हैं। वो डिसाइड करता है उस 15-20 seconds में कि उसको आगे उस सीवी को रीड करना भी है नहीं करना है। उस चीज में सबसे पहली जो नजर जाती है वो जाती है प्रोफाइल पे, क्योंकि प्रोफाइल और कवर लेटर आप बहुत कस्टमाइज करके बनाते हैं। अब वो आपका किस तरीके का है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। अब किसी जॉब में अगर वहां पे
कवर लेटर लगाना ऑप्शनल है, तो आई वुड से मस्ट, यू मस्ट ऑलवेज अप्लाई विद योर कवर लेटर, क्योंकि आप माने या ना माने कवर लेटर कहीं ना कहीं रिज्यूम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिज्यूम में आप सारी चीजें डालते हो, अपने सीवी में आप सारी चीजें डाल रहे हो, लेकिन कवर लेटर में आप सिर्फ स्पेसिफाइड चीजें, सिर्फ जरूरी चीजें जो उस जॉब से रिलेटेड है वो डालते हो। तभी कोई बोलता है ना कि मैंने कवर लेटर को बनवाया है इतने रुपए देके, इतने पैसे देके, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्टूपिड चीज़ है, क्योंकि कवर लेटर हमेशा एक जॉब से रिलेटेड है। आपके पास हजारों स्किल्स हैं, लेकिन उसमें अगर उसने मांगा है कि मुझे क्लाउड इंजीनियर चाहिए, तो आप उसमें सारी डिटेल्स डालेंगे, इट डजंट मेक सेंस। आपको सिंपल वो चीज़ें बतानी कि सर दिस इज समथिंग आई कैन ब्रिंग ऑन टेबल, ये चीज़ें मैं आपके लिए प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं आपकी कंपनी को हेल्प कर सकता हूँ, और ये चीज़ें मुझे बेनिफिट कर सकती हैं। तो आप हर कवर लेटर एक ही कवर लेटर हर जॉब के लिए नहीं चेप सकते, चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये कवर किया है कि क्यों आपको रिक्रूटर्स की कॉल नहीं आ रही, मे बी आपका सीवी सिलेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो अपने सीवी पे वर्क करिए, अपने कवर लेटर पे वर्क करिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे पूरी एक सीवी की फाइल को, पूरी एक सीवी की वीडियो को बनाना है नहीं बनाना है। सो इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन सीवी, फुल सीवी की किस तरीके से डिज़ाइन करना है, सो आई एम रेडी टू मेक अ whole class over it. So just stay connected with this channel, and if you have any query you can ping me on Instagram. I'm very responsive, and thank you very much for connecting with this channel.